हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल व्यूअर्स। सो गाइस, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, उम्मीद है आप लोग भी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आई हूँ पठानकोट, और ये है पठानकोट की मार्केट। जो मार्केट से होते हुए मैं आई हूँ हॉस्पिटल। तो देखिए, ये है हॉस्पिटल की एंट्री, और मैं कन्नव का चेकअप करवाने के लिए आई हूँ। तो मेरे साथ बस कन्नव है, मैं और कन्नव हैं। तो ये है हॉस्पिटल, देख सकते हैं आप। तो हम लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके थे, और यहाँ पे आते ही हमने जो है अपनी फ़ाइल जमा करवा दी थी। और ये है फाइल जो कि पर्ची के साथ ऐड हो गई है। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है। अभी डॉक्टर नहीं आए हैं, राउंड पे गए हैं। तो जब कर्नव एडमिट था तो उसका 25 kg वेट रह गया था, तो बहुत कम वेट हो गया था बीमार के कारण। तो आज इसका वेट 26 हुआ है, मतलब 1.5 kg बड़ा है, कुछ ज़्यादा नहीं। और ये मेरे हाथ में टेस्ट रिपोर्ट हैं सारी की सारी, जो कि उसका डेली टेस्ट होता था। और आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसको मतलब प्रॉब्लम था। और ये रिपोर्ट रोज़ ही मिलती थी, रोज़ टेस्ट होते थे, रोज़ रिपोर्ट मिल जाती थी आधे एक घंटे में। देख सकते हैं आप कितना भीड़ है। आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, विंटर चेंज हो रहा है ना, इसलिए। तो आप भी अपने बच्चों का ध्यान रखें। तो ये रोज़ की रिपोर्ट्स हैं मेरे पास, फाइल में ऐड करी हुई हैं सारी की सारी। पहले दिन से लेके 6वें दिन तक पूरी रिपोर्ट फाइल बनी हुई है। तो आज वही मैं चेकअप करवाने के लिए आ गई हूँ यहाँ पर। तो देख सकते हैं आप, इस तरह से कुछ रिपोर्ट्स हैं। और ये लास्ट टेस्ट रिपोर्ट थी जो कि काफ़ी अच्छी आई हुई थी, तो काफ़ी ज़्यादा इसकी सेहत में सुधार हो चुका था। तो उससे नेक्स्ट डे हमें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज जो है कर दिया गया था। तो काफ़ी अच्छा, देख सकते हैं आप, यहाँ पे काफ़ी रिजल्ट अच्छा आया हुआ था इसकी रिपोर्ट में। तो फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोल दिया था कि बेटा ठीक है, आप अभी घर जा सकते हैं। तो यही सब देख सकते हैं आप। मैंने उस दौरान कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी और अपना भी मन ठीक नहीं था, और कुछ भी काम करने का मन नहीं होता था, इसलिए मैं YT पे एक्टिव ही नहीं थी कुछ दिन। तो अभी डॉक्टर जी आ गए हैं, तो हम देख के अपने टेस्ट वगैरह करवा लेते हैं बच्चे को, उसके बाद हम निकलेंगे घर के लिए। तो हमारा नंबर, हम अपने नंबर का ही वेट कर रही थी। यहाँ पर नंबर के हिसाब से चेकअप होता है 1x1, तो ये हम लोग वेट कर रहे थे यहाँ पे। और देख सकते हैं आप, कन्नव और मैं बस दोनों ही गए थे, और मैं एक्टिवा पे गई थी। तो बैठे हुए थे, बस अपने नंबर का वेट कर रहे थे। और कन्नव, देख सकते हैं आप, इसको मैंने गर्म कपड़े पहना दिए हैं, क्योंकि अभी अभी ये ठीक हुआ है थोड़ा। तो हवा लगने से फिर से बुखार आ सकता है, इसलिए मैं कुछ मतलब इसकी तरफ ज़्यादा ही ध्यान दे रही हूँ। तो यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। तो ये वीडियो का वॉइस ओवर मैंने पहले भी करा हुआ था, और इसको मैंने अपडेट भी कर दिया था, लेकिन पता नहीं क्यों इसमें वो जो है कॉपी राइट आ गया था, तो मुझे ये वीडियो डिलीट करके फिर से अपलोड करना पड़ रहा है यहाँ पे, और फिर से इसकी एडिटिंग वगैरह करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे जो भी मैंने बोला था, ये वीडियो फ़ोन से डिलीट हो चुका था, तो वही सब मुझे दोबारा से करना पड़ रहा है। और मैं यहाँ पे बता रही थी कि अभी हम आ गए हैं घर, और घर आके मैंने कन्नव को खाना वाना खिला के, दवाई खिला के इसको सुला दिया था, और उसके साथ थोड़ी देर के लिए मैंने भी रेस्ट कर लिया था। और ये शाम का टाइम था, और अभी कन्नव बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर ने बोला है कि ये जो दवाई चल रही है, इसको खिलाने के बाद आप बेटे को स्कूल भेज सकते हो। तो काफ़ी दिन से ये स्कूल भी नहीं गया हुआ है, तो बहुत सारा इसका स्कूल का काम भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो बस मैं यही सब आपके साथ शेयर कर रही थी यहाँ पे, और मुझे यह आज दोबारा वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। जो न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
तो मैं यहाँ से यहाँ पे ये बोल रही थी कि अभी कुछ दिनों में कन्नव फिर से स्कूल जाने लगेगा और उसका जो होमवर्क पेंडिंग पड़ा हुआ है ना, तो वो मैं होम ग्रुप में जो उसका होमवर्क है वो मंगवा लेती हूँ और काम जो है घर पे ही करवा देती हूँ। अभी तक ट्यूशन की भी छुट्टियाँ चल रही हैं, उसकी ट्यूशन पर भी नहीं भेजा मैंने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था तो मुझे डर रहता था कि कहीं गिर ना जाए, तो इसलिए मैं इसको ना तो स्कूल और ना तो ट्यूशन भेज रही थी। अभी बिल्कुल फुल रेस्ट पे है ये, तो वही सब मैं सोची थी कि एक बार चेकअप करवाने के बाद इसको फिर से स्कूल भेजना शुरू करूँगी। तो बस आज मेरे मन को तसल्ली हो गई है कि अब कर्नब ठीक है। अभी भी मुझे इसका ध्यान रखना पड़ रहा है और थोड़े दिन के लिए तो रखना पड़ेगा। तो बस यही सब था मेरा आज का वीडियो, तो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। बाय बाय, टेक केयर।